बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जी वाइस। बाप उनके साए में बख़त होते हैं, बाप घर में दरख़त होते हैं। सामईन, बुज़ुर्ग हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं। अपनी अकल, ज़हानत और तजर्बात की बिना पर हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और ज़िंदगी की मुश्किलात का बाहिम्मती से मुकाबला करते हैं। माँ की हिला शेरी शेर बना देती है और बाप की गरज सीना तन कर मुकाबला करना सिखाती है। जो अल्लाह के बताए रास्तों पर चलते हैं वो वालिद की कदर करते हैं, मगर कुछ ऐसे खानदान भी देखे गए हैं जहाँ वालिद की कदरों मंजिलत ख़त्म हो जाती है। बूढ़ा बाप एक कमरे तक महदूद होकर रह जाता है, औलाद के पास उसके लिए वक्त नहीं रहता, वो इंतज़ार करता रहता है। आजकल करते करते बाप का इंतज़ार मौत ख़त्म कर देती है। अगर कभी बेटा मिलने आ भी जाए तो कांपते होंठों से कुछ नहीं निकल पाता कि मुख्तसर से कमरे में ज़खीरा अल्फाज भी दम तोड़ जाते हैं और बूढ़े बाप की मेमोरी में बहुत कम अल्फाज रह जाते हैं जो उसकी हालत की अकासी के लिए नाकाफ़ी होते हैं। सामईन, निज़ा बलवान एक युदा था। उसका कौल था, हम खुद को औलाद का आदि बना लेते हैं, औलाद जवान होकर उड़ जाती है, बाप बूढ़ा लाचार हो जाता है। निज़ा बलवान औलाद को अपना आदि बनाने का गुर जानता था। ये गुर मेरे अब्बा जी को भी नहीं आता, मगर मैंने निज़ा बलवान को इतना पढ़ा के याद हो गया वाली बात हो गई है। तो मैं जो अब बाप बन रहे हैं उन्हें मशवरा दूंगी कि अपने बेटे को अपना इतना आदि बनाओ कि वो बाप को अपने जिस्म का हिस्सा समझ बैठे कि आज वालिद अपनी नासमझ